फ्रेंड्स, आपका आप सबका स्वागत है मेरे श्वेता क्रिएशंस में और मैं हूँ श्वेता। आज सुबह से थोड़ा बिजी थी तो सुबह से कुछ नहीं कर पाई, पर शाम को मैं 7 बजे ही घर आ गई और 7 से अभी तक मतलब कुछ फुल बिजी थी। आप मेरा ये इवनिंग वाला ब्लॉग देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आज खाने में कुछ खास भी बना है। मैं फ्रेश भी नहीं हुई आई और मेरा कैमरा ऑन कर दिया। आप लोगों से मिलने का इतना मन जो कर रहा था, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा ब्लॉग। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट भी कीजिए प्लीज। मैं शाम को घर आई और मेरे बेटे को खिलाने बैठ गई क्योंकि उसका बहुत सारा होमवर्क है। वो सैटरडे को स्कूल भी नहीं गया था, इसीलिए मिस से आज बहुत डांट पड़ी है। उसे खाना खिलाकर, जल्दी खाना खिलाकर उसे पढ़ने के लिए बिठा दूंगी और मैं खाना बनाने के लिए चली जाऊंगी। और आज तो मेरा बेडरूम की तो हालत ही ख़राब हो गई है, देखते हैं। चलिए मैं इसके खिला कर कमरे में जाऊंगी। तो चलिए मेरा बेडरूम देखते हैं। वेलकम टू माय बेडरूम। कितना सुंदर है, देखिए सारे कपड़े फैले हुए हैं। ऐसा क्यों है सोच रहे हैं ना, क्योंकि मेरी अलमारी हॉल में थी। आज ही मैंने कुछ दो लेबर को बुलाकर अलमारी रूम में शिफ्ट किया है। ये सारे कपड़े मुझे फिर ये सब फिर सब अलमारी में रखने होंगे ठीक से। चलो थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। फ्रेश होने के बाद आज वो मटन लाए हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी और उसके लिए सारी अरेंजमेंट कर लूँगी। मेरा बेटा गया है थोड़ा ग्रोसरी का सामान लाने, यहाँ पास में ही है, वो लेकर आ जाएगा। तो चलिए मटन के लिए थोड़ा तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। मैंने मसाला पीस लिया है, ऑनियन काट दिया है, मटन भी फ्राई कर लिया, सारे अरेंजमेंट करके रखूँगी। आऊँगी बस, वो जब घर आते हैं तो 10:30 हो जाता है, इसीलिए मैं सब रेडी करके रखूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा अलमारी सेट करना, आप भी हेल्प कीजिएगा मुझे। अगर कुछ ठीक ना लगे तो कमेंट करके बताइए तो कैसे सेट करना है। वो ऊपर का मेरा सेक्शन साड़ियों का है, नीचे बीच में मैं ड्रेसेस रखती हूँ, ऊपर मतलब हैंगिंग करने वाले साड़ियाँ रखती हूँ और बीच में मतलब अलमारी का 80% एरिया मेरा ही होता है। बस दो सेक्शन, वो साइड में कैमरे से दिखाई नहीं दे रहा, साइड में छोटे छोटे दो सेक्शन हैं, बस वही वो यूज़ करते हैं। और बाहर भी एक ओपन कबड़ है, वो भी उसका भी हाफ हिस्सा, हाफ से ज़्यादा हिस्सा मेरा ही है। और उन्हें तो वो उन्हें कमरा फैला हुआ बिल्कुल पसंद है। अगर वो उनके आने के पहले मैं ये सब नहीं करी ना तो वो आएंगे चिड़चिड़ा हो जाएंगे, इसीलिए वो तो 11 बजे आएंगे। मैं 9 o'clock को जाऊंगी, मटन करी बिठा दूंगी और गर्मा गर्म जब आएंगे तो विसिल निकल जाएगा, गर्मा गर्म परोस दूंगी। मैंने कुकर में तेल डाल दिया है, मैं पूरा सिंपल वे में बनाती हूँ, सिर्फ तेज़पत्ता, दालचीनी और वो इलायची का छोटा सा एक क्या बोलते हैं उसे सीड, छोटा सा वो उतना ही डालूँगी। वो रेड दिख रहा है ना, वो मैंने थोड़ा चिल्ली पाउडर डाला है पहले, उसके बाद मैं स्पाइसेस वगैरह डाल दिया है। चिल्ली पाउडर डालने से करी का कलर बहुत अच्छा आता है, मतलब ऑनियन मटन में ऊपर से होटल के जैसा दिखता है। ऑनियन डाल दिया, अब ऑनियन थोड़ा फ्राई कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा 2-3 बार फ्राई करने के बाद फिर मटन डालूँगी, मसाला डालूँगी और आलू डालूँगी। और हमें मटन में आलू थोड़ा पसंद है। और हाँ, इस वे में सेम इसी प्रोसीजर में मैं सिर्फ आलू का दम भी बनाती हूँ। और बस बीच बीच में मतलब वो नॉनवेज है ना, इसीलिए बीच बीच में बार बार हाथ धोना पड़ता है। नॉनवेज कुकिंग करने का यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और कुछ नहीं।
मैं रोटियां पहले बना चुकी हूँ, क्योंकि वो गैस नॉनवेज हो जाएगा ना, इसीलिए रोटियां बना के साइड में रख दिया है। दिखाऊंगी आपको लास्ट में। मसाला पीसने के सॉरी मसाला फ्राई होने के बाद तो मैंने बोला, और डालूंगी मैंने हल्दी का पाउडर मसाले में ही डाल दिया था, इसलिए बस पानी नमक चिली पाउडर थोड़े डाल के विसिल दे दूंगी। देखते रहिए मेरा मटन करी कैसा बनता है। पानी डाल दिया है, आज थोड़ा हमें थोड़ा ग्रेवी पसंद है, इसीलिए मैं उसमें थोड़ा ज़्यादा डाला है, और विसिल दे दूँगी। 3 सीटियाँ आने पर करी बंद कर दूँगी। रोटियाँ देखिए बना चुकी, मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। अब चलिए देखते हैं मेरे बेटे का पढ़ाई कितने तक पहुँचा है। आज उसका सारा मतलब कॉपी अपडेट करना पड़ेगा, अभी तक तो वो आए नहीं। 10 बज चुके हैं, उनका आने का वेट कर रही हूँ, भूख लगी है। वो आ गए हैं, वो फ्रेश होने के लिए गए हैं और मुझे बोला राइस बनाओ, रोटी राइस और करी मिला के खाएंगे। देखिए करी कैसा बना है हमारा, अच्छा तो है ना। ओके बाय, गुड नाइट, बाय।